एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइफ प्रोसेस पे। ठीक है, देखिए क्या होता है, बच्चे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो नहीं समझ पाते। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो आखिर क्वेश्चन है वो कहाँ से बनता है। ठीक है, मैंने कुछ पेपर एनालाइज करके कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, वो आज टॉपिक्स में इस वीडियो में आपको बताऊँगी। देखिए, जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसको सिर्फ रिवीजन करना है इन टॉपिक्स का, पर जिसने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है तो उसके लिए भी वो परेशान ना हो क्योंकि मैंने वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं, आप मेरे साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी एक दो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, बाकी आगे के लेक्चर्स मैं अभी अपलोड करूँगी। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल से, मींस लाइफ प्रोसेस। तो आपको लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन भी आनी चाहिए क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो पहले हम टॉपिक डाल देते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन साथ में न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट इज एक्सक्रीशन। ये जो मेन टॉपिक्स थे इनके डेफिनेशन तो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं रिएक्शन बोलेंगे, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, आपको नहीं आती है तो मैं इसको बहुत डिटेल मैंने स्टडी कराई थी, इसके तीनों स्टेप्स मैंने अच्छे से डिटेल में स्टडी कराए थे। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, और हम आगे पढ़ेंगे, हाँ, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ये भी कई जगह पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा जो हमारा एलिमेंट्री केनाल का डायग्राम है ना, उसका वेल लेबल डायग्राम, वो काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल का। उसका वेल लेबल डायग्राम, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। और एनसीईआरटी में जो न्यूट्रिशन दे रखा है ना अमीबा का, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। उसके साथ साथ और क्या पढ़ना है हमें, इसको नोट करिए तब तक। डाइजेशन की डेफिनेशन, देखिए डाइजेशन का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए ना, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो डेफिनेशन किसकी, डाइजेशन की। ठीक है, इसको नोट करिए आगे, ब्लड प्लाज्मा वगैरह इतना नोट करिए, उतना नोट कर लिया। अब आगे वेरी शॉर्ट में कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो नोट कर लीजिए, जैसे डिफ्यूजन हो गया, डाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और हमारे वेस्कुलर बंडल्स जैसे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ब्लड का फ्लो, मीन्स आपको ह्यूमन हार्ट अच्छे से आना चाहिए, ह्यूमन हार्ट में ब्लड फ्लो। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि उसमें टर्म्स आती है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये मैं आपको तब क्लियर करूँगी जब मैं ये ह्यूमन का हार्ट पढ़ाऊँगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये हो गया ना, इसमें और जैसे ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, ब्लड प्लाज्मा वो पूछ सकता है, ब्लड का प्लाज्मा, उसकी सेल्स इतना नोट करिए, उसकी सेल्स जैसे RBC वगैरह, WBC वगैरह, ये पता होना चाहिए जो ब्लड। ठीक है, ये नोट करिए,
हो गया नोट, जैसे लिम्फ हो गया और ह्यूमन का जो एक्सक्रीट, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री क्लैनली, सब आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके वेल लेबल डायग्राम, मतलब लेबलिंग भी पूछ सकता है और डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। और इतना हो गया। और बाकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में ट्यूबुलर पार्ट्स का क्या वर्क है और बोमन्स कैप्सूल का क्या वर्क है, ये सब अच्छे से आना चाहिए, सब पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़िए, और अगर इन टर्म्स के आपके पास आंसर्स नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके आंसर्स पे एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।